हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएसवारी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की डायल पैड ट्यून को कैसे बंद कर सकते हो दोस्तों, या फिर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन में बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं रेडमी वाई 3 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे Redmi Y3 मोबाइल फ़ोन लिखा रहा है दोस्तों। तो मैं Redmi Y3 मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको अपने डायल पैड ट्यून, जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों ये कुछ नंबर डायल करते हो, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल फ़ोन में किस टाइप का ट्यून्स आ रहा है। तो दोस्तों, इसको ट्यून्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली बीप रहता है और इसमें यहाँ पे ये पियानो का साउंड आ रहा है, तो दोस्तों आप ऐसे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना दोस्तों, आपको जाना होगा आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में नहीं, यहाँ पे जो डायल पैड की जो सेटिंग रहती है उसमें जाना होगा। तो यहाँ पे नीचे जो तीन लाइनें दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा दोस्तों आपको। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा सबसे नीचे। सबसे नीचे से जो सेकेंड ऑप्शन है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग लिखा आ रहा है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डायल पैड टच ट्यून। तो दोस्तों, इसको खोल लीजिए। यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको डायल पैड ट्यून नहीं चाहिए, मी साइलेंट चाहिए, कुछ भी ना हो वहाँ पे, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको ट्यून चेंज करना, तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ट्यून्स का दोस्तों। इसमें दो ट्यून्स है, एक तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, और सेकंड जो अभी आपने सुना है जो पियानो का साउंड था। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आप अपने ये ट्यून्स को ऑन ऑफ कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।